Hello everyone, so in this session we are going to talk about important update regarding UPSC EPFO examination, right? Examination date 2nd of July ko schedule hai, you know very well, right? So total number post 577 nikli thi, right? Jisme se AO ke liye jo post jo vacancy nikli thi 418, right? 418 post nikli thi. और साथ ही साथ जो APEC के एग्जामिनेशन है उसके लिए पोस्ट कितनी निकली थी, टोटल निकली थी 159, राइट, 159 पोस्ट यहाँ पे निकली थी, ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग UPSC ने एक इम्पोर्टेंट अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे अपडेट कर दी है जी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड आपके देख रहा होगा यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो चुकी है, राइट। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट एंड यू कैन सी हियर, राइट, लिंक फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड इज अवेलेबल, राइट। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट अपडेट, राइट। सो एग्जामिनेशन जैसे क्या पता है 2 जुलाई को है और 14 जुलाई से एडमिट कार्ड की डाउनलोड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है जी। चलिए ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे जितने भी UPSC के एस्पायरेंट हैं, राइट। तो प्रोसेस में बता देता हूँ, बिगिनर्स के लिए, जो बिगिनर्स पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपके फ़ोन पे होगा या फिर ईमेल पे होगा, यहाँ पे चेकबॉक्स पर क्लिक कर लोगे। उसके बाद ये कुछ न्यू पैटर्न, न्यू पेज इस तरह से ओपन होगा आपके सामने में। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आप इंटर करोगे, राइट, और डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट, और ये कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अपडेट, राइट। सो इफ यू न्यू टू दिस चैनल, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर एस्पायरेंट जिन्होंने भी UPSC EPFO का फॉर्म फिलअप किया था।